हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो टॉपिक कवर करेंगे, फाइल शेयरिंग एंड रिमोट फाइल सिस्टम्स। तो पहले ये जान लेते हैं इसकी जो हमारे टॉपिक है वो क्या क्या है। इसमें फाइल शेयरिंग है, फाइल शेयरिंग में हम लोग फाइल शेयरिंग का इंट्रोडक्शन, मल्टीपल यूजर्स के बारे में जानेंगे। रिमोट फाइल सिस्टम्स में हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, फेलियर मोड्स एंड कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स की बात करें। तो सबसे पहले ये जान लें कि फाइल सिस्टम माउंटिंग क्या होती है। एक्चुअली माउंटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन ए स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल फॉर यूजर्स टू एक्सेस वाया द कंप्यूटर फाइल सिस्टम। माउंटिंग का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी फाइलों को रखेगा एक स्टोरेज डिवाइस पर, सीडी पे, डीवीडी पे या नेटवर्क डिवाइस पर, ताकि वो आपको अवेलेबल हो पाए कंप्यूटर सिस्टम के फाइल सिस्टम के द्वारा। मतलब जैसे आप किसी फाइल को ओपन करते हो उसको एक्सेस करने के लिए, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को फाइलें अवेलेबल कराए उससे पहले वो फाइल सिस्टम को माउंट करेगा। फाइल सिस्टम माउंट करने में जो चीज़ें होती हैं वो समझिए क्या है। मोर स्पेसिफिकली द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में बी बिल्ड आउट ऑफ मल्टीपल वॉल्यूम्स विच मस्ट बी माउंटेड टू मेक देम अवेलेबल विद इन द फाइल सिस्टम नेम स्पेस। आपका जो हार्ड डिस्क है, जो ड्राइव है, उस पर ढेर सारे वॉल्यूम्स बनेंगे, ड्राइव्स बनेंगी और वो अवेलेबल होंगी यूजर को डेटा को रखने के लिए। द माउंट प्रोसीजर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द ओपनिंग सिस्टम इज गिवेन द नेम ऑफ डिवाइस एंड द लोकेशन विद इन द फाइल स्ट्रक्चर वेयर द फाइल सिस्टम इज टू बी अटैच्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डिवाइसेस को एक नाम देता है और नाम देके उसके उस लोकेशन को बताता है जहाँ पे आप फाइलें रखना चाहते हैं, मतलब ड्राइव वगैरह क्रिएट कर देगा, ड्राइव क्रिएट कर देगा, उसमें डायरेक्टरीज बना देगा। ये होता है माउंट करने का मतलब। टिपिकली ये माउंट पॉइंट इज एन एम्प्टी डायरेक्टरी। माउंट पॉइंट एक एम्प्टी डायरेक्टरी होता है, मतलब आपकी पूरी हार्ड डिस्क होती है जो खाली होती है। फॉर इंस्टेंस ऑन यूनिक्स सिस्टम ए फाइल सिस्टम कंटेनिंग ए यूजर्स होम डायरेक्टरी माइट बी माउंटेड एज, इस तरह से होम डायरेक्टरी जो कंटेन करी ऐसे माउंट हो सकती है, होम होम स्लैश होम, मतलब ये रूट डायरेक्टरी के अंदर होम है। देन टू एक्सेस द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विद इन दैट फाइल सिस्टम वी वुड प्रोसीड द डायरेक्टरी नेम विद विद स्लैश, लाइक की स्लैश एंड होम, एज इन होम रूट होम स्लैश जेन। माउंटिंग दैट फाइल सिस्टम अंडर यूजर वुड रिजल्ट इन द पाथ नेम यूजर जेन। मतलब अगर किसी फाइल सिस्टम को आप जिस भी ड्राइव के अंदर माउंट कर रहे हो स्लैश लगा के उस डायरेक्टरी का नाम देके आप उसके अंदर एक डायरेक्टरी और बना के फाइल सिस्टम माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम वेरीफाइज दैट द डिवाइस कंटेन्स ए वैलिड फाइल सिस्टम। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ये वेरीफाई करेगा कि जो आपकी डिवाइस है उस पर फाइल सिस्टम वैलिड फाइल सिस्टम है कि नहीं, मतलब उस पर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट है कि नहीं फाइल को रखने के लिए, मतलब उस ड्राइव का कोई नाम है, उसमें कोई डायरेक्टरीज हैं, तभी वो रख पाएगा, नहीं तो नहीं रख पाएगा। इट डज सो बाई आस्किंग द डिवाइस ड्राइवर टू रीड द डिवाइस डायरेक्टरी एंड वेरीफाइंग दैट द डायरेक्टरी हैज़ द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस कंट्रोलर से पूछेगा कि आपकी जो ड्राइव है वो एक्सपेक्टेड फॉर्मेट को मैच कर रही है कि नहीं। फाइनली द ऑपरेटिंग सिस्टम नोटिस इन इट्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट ए फाइल सिस्टम इज माउंटेड एट द स्पेसिफाइड माउंट पॉइंट। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को देखेगा कि उसमें फाइल सिस्टम माउंट है कि नहीं, मतलब ड्राइव और फोल्डर्स बने हैं कि नहीं। दिस स्कीम एनेबल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू ट्रेवर्स इट्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्विचिंग अमंग फाइल सिस्टम एंड इवन फाइल सिस्टम ऑफ वेरिंग टाइप्स एज अप्रोप्रिएट। इसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और डायरेक्टरी के थ्रू ट्रेवर्स करा पाएगा, आपको एक फाइल से दूसरे फाइल एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में स्विच करा पाएगा और पूरे फाइल सिस्टम को नेविगेट करा पाएगा। अभी देखिए फाइल शेयरिंग का मतलब क्या होता है। शेयरिंग का मतलब होता है कि एक फाइल आपने बना के कहीं रखा, उसको ढेर सारे यूजर को शेयर करना है विद इन ए सिस्टम, उसी सिस्टम में जिसमें बना है या किसी और सिस्टम में। जैसे आप मोबाइल से फाइल शेयर कर देते हैं, आप डाउनलोड कर लेते हैं फाइल एफटीपी सर्वर से, लाइक कि आप प्ले स्टोर से फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऑल दिस कम्स अंडर फाइल शेयरिंग। तो फाइल शेयरिंग में हम लोग
जब जो फाइल शेयरिंग करते हैं डिजिटली, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी परमिशंस, बहुत सारी सिक्योरिटी इम्पोज करते हैं। ये फाइल शेयरिंग का जनरल मतलब समझ लीजिए, फाइल शेयरिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिजिटल मीडिया। डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब हम फाइलें दे बांटते हैं और उस पर एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, सच एज कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मल्टीमीडिया, ऑडियो, इमेजेस, इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। मतलब हम लोग फाइल को शेयर करने में मतलब डिजिटल मीडिया शेयर करते हैं, मल्टीमीडिया शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स शेयर करते हैं। एनी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम विल प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ फाइल शेयरिंग। कोई भी मल्टी यूजर फाइल सिस्टम है, कोई भी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मोर देन वन यूजर एक कंप्यूटर को यूज कर रहा है, वहाँ पे शेयरिंग की बात जरूरी जरूर आएगी। जैसे आप अगर एक रूम पे रहते हो, अगर आप दो लोग चार लोग, तो मल्टी यूजर हो गए वहाँ पे। अब उस रूम में कुछ चीजें हैं तो उसको शेयर करना चाहेंगे। तो वैसे ही अगर एक सिस्टम को कई यूजर यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो फाइलें हैं, एक पर्सन ने फाइल बनाई तो वो उसका ओनर हो गया। अब दूसरे पर्सन को उसको शेयर करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। दिस इज द राइट ऑफ ओनर। एमंग्स द बेस्ट नोन नेटवर्क फाइल सिस्टम इज एनएफएस। एनएफएस बेस्ट नोन नेटवर्क फाइल सिस्टम है। ओरिजिनली डेवलप्ड बाई सन माइक्रोसिस्टम फॉर यूनिक्स। यूनिक्स के लिए ओरिजिनली एनएफएस डेवलप हुआ था, नेटवर्क फाइल सिस्टम। इट लेट्स यू रीड एंड एज्यूमिंग यू हैव परमिशन राइट टू शेयरेबल फाइल्स एज दो दे वेयर ऑन योर ओन पर्सनल कंप्यूटर। मतलब आपको फाइलों को रीड करने की परमिशन ही देता है, लेकिन रीड तभी राइट तभी करा पाएगा जब वो आपको शेयर हो, नहीं तो नहीं। फाइल कैन ऑल्सो बी शेयर इन फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट पॉइंट्स इन नेटवर्क। अलग अलग पॉइंट पे जो फाइलें रखी हुई हैं वो भी फाइल सिस्टम में शेयर हो सकती हैं। एनएफएस में फाइल शेयरिंग इज इन्वॉल्व इन ग्रुप वेयर और एंड ए नंबर ऑफ अदर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। ग्रुप वेयर मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जिसको कई सारे लोग एक साथ यूज कर रहे हैं, ऐसे एप्लीकेशन में फाइल शेयरिंग की जरूरत पड़ती है। अभी जान लीजिए मल्टीपल यूजर्स क्या होते हैं। मल्टीपल यूजर मीन्स की मोर देन वन यूजर इन ए सिस्टम। जैसे बहुत सारे यूजर हैं सिस्टम में को एक्सेस कर रहे हैं, तो उस केस में दो तीन चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए ग्रुप होता है, एक ओनर होता है, ठीक है। तो एक ग्रुप में कई सारे यूजर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक सिस्टम में हो, एक लैब में हो, और वहां पर मल्टीपल यूजर्स आपकी लैब में कंप्यूटर्स पे बने हुए हैं, और आपका अगर यूजर मान लीजिए बीसीए फोर्थ सेमेस्टर का बैच है, उसके लिए लैब में जो एडमिन है उसने बीसीए फोर्थ सेमेस्टर में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों का अकाउंट बनाया। एक्चुअली यूजर बनाने का मतलब होता है कि क्रिएटिंग अकाउंट्स इन सिस्टम फॉर द यूजर्स। तो अगर मैंने 40 बच्चों के अकाउंट बना दिए और उनको अकाउंट पे परमिशन वगैरह दे दी, तो हमारे पास 40 यूजर बन गए। अब उन 40 यूजर हमारे पास बीसीए फोर्थ के हैं, और मान लीजिए 40 बीसीए टू के हैं, 40 बीसीए थ्री के हैं, 40 बीसीए सिक्स के हैं। तो अब हमें सबको अलग अलग परमिशन देनी है। बीसीए फोर्थ को मुझे कुछ और परमिशन देना है, बीसीए टू को मुझे कुछ और देना है, बीसीए थ्री को कुछ और देना है। लेकिन बीसीए टू को जो मुझे परमिशन देनी है, वो बीसीए टू के सारे बच्चों को देनी है, और बीसीए फोर्थ को जो परमिशन देनी है वो बीसीए फोर्थ के सारे स्टूडेंट को देनी है। अब अगर मैं एक एक स्टूडेंट को परमिशन दूंगा तो जो एडमिन है उसका टाइम ज्यादा लगेगा। अब अगर मान लीजिए कोई परमिशन वापस लेनी है बीसीए से फोर्थ के ग्रुप बीसीए फोर्थ से, तो 40 स्टूडेंट के ग्रुप अकाउंट में जाके वहां पे उस ऑप्शन को अनचेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक बीसीए फोर्थ का ग्रुप बना दें और ग्रुप पे परमिशन दे दें कि बीसीए फोर्थ के ग्रुप को ये परमिशन है, तो अगर ग्रुप पे परमिशन दे देंगे तो वो परमिशन एक बार दी जाएगी और एक बार हटाई जाएगी। अगर मैंने बीसीए फोर्थ पे कोई परमिशन दे दी तो बीसीए फोर्थ के 40 स्टूडेंट को मिल जाएगी, और कोई परमिशन हटा दी तो वो 40 स्टूडेंट से हट भी जाएगी। तो इसीलिए सिस्टम में यूजर बनाते हैं और ग्रुप भी बना देते हैं। ग्रुप बनाने का मतलब होता है कि सेम परमिशन वाले जितने भी यूजर होते हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। लेकिन अगर ग्रुप बना के या मल्टी यूजर सिस्टम में हम काम करते हैं, तो वहां पे सिक्योरिटी के और प्रोटेक्शन के भी इश्यूज आते हैं, तो उसके बारे में आगे देखिए। टू इम्प्लीमेंट शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन द सिस्टम मस्ट मेंटेन मोर फाइल एंड डायरेक्टरी एट्रीब्यूट्स दैट आर नीडेड ऑन सिंगल यूजर सिस्टम। Although many approaches have been taken to meet this requirement, most systems have evolved to use the concept of file, owner and group. एक owner बनता है, एक group होता है। Owner मतलब file का जो creator है। Group मतलब कि उस file का पूरा group। जैसे मान लीजिए BCA fourth में कोई student है X, X ने कोई file create की, तो वो X उस file का owner हो गया। और BCA fourth के सारे student उसके group member हो गए। और BCA second वाले other हो गए। तो अब जो owner है X, वो अपनी फाइल पे अपने लिए कुछ और परमिशन दे सकता है, ग्रुप को कुछ और, अदर को कुछ और। मतलब
अपने लिए उसने रीड राइट एग्जीक्यूट की उन्हें परमिशन दे ली, अपने ग्रुप को यानी बीसी फोर्थ के सब स्टूडेंट को उसने रीड और राइट की परमिशन दी, और अदर को मतलब बीसी फोर्थ के अलावा जितने स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट अगर वो स्टूडेंट लॉग इन करेंगे सिस्टम में तो उनको उसने परमिशन दी है सिर्फ एग्जीक्यूट करने की, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन है लेकिन अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह के परमिशन उसने लेवल ग्रांट किया। ओनर के लिए उसने रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों किया, ग्रुप के लिए रीड और राइट किया, अदर के लिए सिर्फ एग्जीक्यूट किया। तो ये होता है ग्रुप और यूजर बनाने का फायदा। द ओनर इज ए यूजर हु कैन चेंज एट्रीब्यूट्स एंड ग्रांट एक्सेस एंड हु हैज द मोस्ट कंट्रोल ओवर द फाइल। ओनर अपनी फाइल का मालिक होता है और वो फाइल पे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है, परमिशन ग्रांट कर सकता है, वापस ले सकता है। द ग्रुप एट्रीब्यूट डिफाइंस ए सबसेट ऑफ यूजर हु कैन शेयर एक्सेस टू द फाइल। ग्रुप वो होता है जो एक फाइल पे शेयर एक्सेस को पाना चाहता है। अब देखिए इसमें रिमोट फाइल सिस्टम क्या होता है। रिमोट फाइल सिस्टम मीन्स कि एक ऐसा फाइल सिस्टम जो आपके डिवाइस से दूर है, मतलब कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं दूर बैठे बैठे। जैसे आपका आप व्हाट्सएप से फाइल शेयर कर देते हैं, शेयरइट से कर देते हैं, आप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सब क्या रिमोट सिस्टम है जहाँ पर फाइलें रखी और आप वहाँ पर उसको शेयर कर सकते हो। रिमोट फाइल सिस्टम विद द एडवेंट ऑफ नेटवर्क्स कम्युनिकेशन एमंग रिमोट कंप्यूटर बिकम पॉसिबल। नेटवर्क की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से दूर रखे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन संभव हुआ। नेटवर्किंग अलाउज द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज स्प्रेड अक्रॉस द कैंपस और इवन अराउंड द वर्ल्ड। नेटवर्किंग के थ्रू रिसोर्स शेयर होने की, रिसोर्स शेयर हो सकते हैं एक कैंपस के अंदर कंप्यूटर में या पूरे वर्ल्ड में कहीं के लिए। एक्चुअली नेटवर्किंग का पर्पज ही है बेसिक रिसोर्स को शेयर करना। जैसे आप दो डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो फाइल, वीडियो, ऑडियो, इमेज ये सब क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, शेयर करते हैं। वन ऑब्वियस रिसोर्स टू शेयर इज डेटा इन द फॉर्म ऑफ फाइल। डेटा को शेयर करना ही ज़्यादा, फाइल को शेयर करना ही ज़्यादा यूज होता है, मतलब जो रिसोर्स ज़्यादा शेयर होता है वो फाइल है। थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क एंड फाइल टेक्नोलॉजी रिमोट फाइल शेयरिंग मेथड्स हैव चेंज। नेटवर्क और फाइल टेक्नोलॉजी के और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और फाइल शेयरिंग मेथड के थ्रू शेयर करना चेंज हो गया है। थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क एंड फाइल टेक्नोलॉजी रिमोट फाइल शेयरिंग मेथड हैव चेंज। रिमोट फाइल शेयरिंग मेथड भी चेंज हुए धीरे धीरे, जैसे आप शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। पहले शेयर करने का मतलब था सिर्फ परमिशन देना, अभी शेयर करने मतलब ट्रांसफर भी कर देते हो। द फर्स्ट इंप्लीमेंटेड मेथड इन्वॉल्व मैनुअली ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन मशीन्स वाया प्रोग्राम्स लाइक FTP। पहले FTP के थ्रू होता था मैनुअल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP लिख के फाइल का नाम लिख के हम लोग डाउनलोड कर लेते थे या शेयर कर देते थे, अपलोड कर देते थे। डाउनलोड अपलोड दोनों होता था इसमें, अभी भी होता है। आपका प्ले स्टोर भी FTP का एक एग्जाम्पल है। द सेकेंड मेजर मेथड यूज है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम DFS इन विच रिमोट डायरेक्ट्रीज आर विजिबल फ्रॉम लोकल मशीन। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पर कोई डायरेक्ट्री, कोई फोल्डर किसी अन्य मशीन पर होता है दूर, और आपको अपनी मशीन पर इस प्रकार अवेलेबल होता है मानो आपकी मशीन का ही लोकल डायरेक्ट्री हो। इन सम वेज तीसरा मेथड भी होता है जो WWW है, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू भी हम लोग ब्राउजर ओपन करके फाइलों पर एक्सेस गेन कर सकते हैं। तो हमारे पास FTP है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, WWW है, जो हम लोग जिन प्रोटोकॉल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिमोटली फाइल को शेयर कर सकते हैं। अब देखिए क्लाइंट सर्वर मॉडल में दो कंप्यूटर होते हैं, एक कंप्यूटर सर्वर होता है, दूसरा क्लाइंट होता है। सर्वर वो कंप्यूटर होता है जहाँ पे फाइलें रखी रहती हैं, और क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो उन फाइलों को रिक्वेस्ट करके एक्सेस करना चाहता है। मतलब हम लोग ऐसे शेयरिंग सिस्टम में क्या करते हैं, एक सर्वर बना देते हैं और पूरे ऑफिस का, ऑर्गेनाइजेशन का फाइल उधर ही रखते हैं सर्वर पे, और बाकी मशीन को क्लाइंट बना देते हैं और वो मशीनें लॉगिन करके या रिक्वेस्ट करके उन सर्वर पर रखी फाइल को एक्सेस कर सकती है। हियर देखिए रिमोट फाइल सिस्टम अलाउज कंप्यूटर टू माउंट वन और मोर फाइल सिस्टम फ्रॉम वन और मोर रिमोट मशीन। इन दिस केस द मशीन कंटेनिंग द फाइल इज द सर्वर एंड द मशीन सीकिंग फाइल एक्सेस इज द क्लाइंट। द क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप इज कॉमन with network machine. Generally, the server declares that a resource is available to client and specifies exactly which resource and exactly which client. Server ये बताएगा कि मेरे पास ये resource है और client उसको request करके access कर सकता है। A server can serve multiple clients. एक server कई सारे client को एक बार में service दे सकता है
एंड ए क्लाइंट कैन यूज मल्टीपल सर्वर, और एक क्लाइंट कई सर्वर को एक बार में यूज कर सकता है। जैसे एक सर्वर है, मान लीजिए कि एक सर्वर है फेसबुक सर्वर है, एट ए टाइम वो मिलियंस ऑफ यूजर को सर्व कर रहा होता है। अगर आप क्लाइंट हो, अपना ब्राउजर खोले हो, तो एट ए टाइम आप कई सारे सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो सर्वर एक बार में कई सारे क्लाइंट को रिक्वेस्ट एक्सेस सर्वर एक बार में कई सारे क्लाइंट को कनेक्ट कर सकता है, और क्लाइंट एक बार में कई सारे सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। सर्वर कैन सर्व मल्टीपल क्लाइंट एंड ए क्लाइंट कैन यूज मल्टीपल सर्वर डिपेंडिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ गिवन क्लाइंट एंड सर्वर का शेड्यूल। अभी देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम होती है जिसमें जो नोड होती हैं, ढेर सारे कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे रिसोर्स रखे होते हैं, फाइलें रखी होती हैं, आपस में लिंक होते हैं और वो एक दूसरे की फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। मानो कि वो फाइलें अलग अलग मशीन पर ना होकर एक सिंगल मशीन पर कहीं रखी हों, मतलब मोर देन वन मशीनें जो आपस में कनेक्टेड हैं, उनके उनकी फाइलें आपस में एक्सेस हो सकती हैं इस तरह से कि हर मशीन को ये लगेगा, हर मशीन के यूजर को ये लगेगा कि मेरी फाइल ही पूरी है। मतलब पूरा एक फाइल सिस्टम है सिंगल और ग्लोबल जहाँ से वो फाइल एक्सेस कर रहे हैं। मतलब हर मशीन पे अगर 100-100 जीबी की हार्ड डिस्क लगी है और इस तरह से 10 मशीनें हैं, तो हर मशीन के यूजर को लगेगा कि 100-100 जीबी की अलग अलग हार्ड डिस्क नहीं बल्कि 1000 जीबी की एक सिंगल हार्ड डिस्क लगी हुई है और सारी फाइलें वहीं पर रखी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल नोड्स दैट आर फिजिकली सेपरेट बट लिंक्ड टुगेदर यूजिंग द नेटवर्क। ऑल द नोड्स इन दिस सिस्टम कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड हैंडल प्रोसेसेस इन टैंडम। Each of these nodes contain a small part of the distributed operating system. हर नोड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्मॉल पार्ट कंटेन करता है। To make client server system easier to manage, distributed information system also known as distributed naming services provide unified access to information needed for remote computing. ये DNS और नेटवर्क टेक्नोलॉजी WWW का भी यूज करता है फाइलों को शेयर कराने में। Before DNS become widespread, file containing the same information were sent via email. जब DNS की सेवाएं नहीं थी तो फाइलों को शेयर करने के लिए ईमेल या FTP का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ FTP ऐसे होते हैं जो आपको यूजर नेम पासवर्ड लेने के बाद ही फाइल डाउनलोड कराते हैं, और ज्यादातर ऐसे होते हैं जो सीधे आपको फाइल डाउनलोड करा देते हैं। फेलियर मोड्स, आपने एक फाइल सिस्टम बनाया वो बहुत सारी वजह से फेल भी हो सकता है। आपने फाइल सिस्टम बनाया, आपका फाइल सिस्टम पावर फेलियर हो गया, करप्ट हो गया, आपकी मीडिया बर्न हो गई, तो देर आर सो मैनी चांसेस, देर आर सो मैनी वैरायटी ऑफ रीजंस फॉर फेलियर ऑफ ए फाइल सिस्टम, तो उन्हीं को हम फेलियर मोड्स बोलते हैं। लोकल फाइल सिस्टम कैन फेल और लोकल फाइल सिस्टम कैन फेल फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग फेलियर ऑफ डिस्क कंटेनिंग द फाइल सिस्टम, करप्शन ऑफ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और अदर डिस्क मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, डिस्क कंट्रोलर फेलियर, केबल फेलियर एंड होस्ट एडाप्टर फेलियर। बहुत सारी चीज़ों के फेल होने से आपका फाइल सिस्टम फेल हो सकता है। यूजर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फेलियर कैन ऑल्सो कॉज फाइल टू बी लॉस्ट एंटायर डायरेक्टरी और वॉल्यूम्स टू बी डिलीटेड। यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर की गलती से भी फाइल सिस्टम डिलीट हो सकता है। मैनी ऑफ दिस फेलियर विल कॉज ए होस्ट टू क्रैश एंड एन एरर कंडीशन टू बी डिस्प्लेड एंड ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी रिक्वायर्ड टू रिपेयर द डैमेज। बहुत सारे काजेज क्या होते हैं, आपके सिस्टम को फेल करेंगे और एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे और उसमें ह्यूमन फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो ह्यूमन की वजह से भी, यूजर की वजह से भी फाइल सिस्टम करप्ट हो सकता है, फेल हो सकता है और जिसको रिपेयर की जरूरत पड़ सकती है डैमेज को। कंसिस्टेंसी सिमेंटिक्स जो रिलेटेड होता है वो शेयरिंग में, जब मल्टीपल यूजर अलग अलग साइट से या एक ही साइट से एक कॉमन रिसोर्स को रीड और राइट दोनों पर्पज से यूज करते हैं। अब मान लीजिए एक ही रिसोर्स को, एक सिंगल फाइल को दो यूजर ने अलग अलग जगहों से ओपन किया और चेंज करने का प्रयास किया। अब दोनों ने चेंजेस की, एक ने पहले अपडेट किया, दूसरे ने बाद में अपडेट किया, तो जो फाइल है उसका जो डेटा है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब पहले ने अपडेट किया 4, फिर दूसरे ने अपडेट कर दिया 6, तो वो जो 6 अपडेट है वो 6 वैल्यू मानी जाएगी कि 4 मानी जाएगी, पता नहीं चल पाएगा। जैसे मान लीजिए कि स्टॉक की फाइल है, उस स्टॉक की फाइल में कोई क्वांटिटी है वो 10 है। अब उस क्वांटिटी को दो, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को दो काउंटर से सेल किया गया। अब दोनों पहले काउंटर के
इम्प्लॉयज ने निकाला तो वहां पे क्वांटिटी 10 थी, दूसरे काउंटर के इम्प्लॉयज ने देखा तो भी उसको फाइल में 10 मिला। अब एक ने दो बेचा, एक ने चार बेचा, अब एक ने दो बेच के वहां पे अपडेट किया तो 8 मिला, अब दूसरे ने चार बेच के अपडेट किया तो 6 मिला, जबकि वहां पे ना 8 होना चाहिए ना 6, क्योंकि एक ने दो बेचा एक ने चार बेचा, तो 6 बेचा बिका है वहां पे 4 होना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है भाई। एक ने पहले अपडेट किया, मान लीजिए वहां पे 10 था ओरिजिनल फाइल में, एक काउंटर ने एक्सेस किया दो बेचने के लिए, एक काउंटर ने एक्सेस किया चार बेचने के लिए, तो जब दो और चार बिकेगा तो 6 बिकेगा, 4 बचना चाहिए ना। लेकिन जब एक ने पहले दो वाले ने बेचा वहां पे 8 अपडेट किया, फिर चार वाले ने बेचा वहां पे 6 अपडेट किया, जबकि दो 6 आंसर क्या गलत है वहां पर, ठीक है। अगर पहले पहले दूसरा वाला अपडेट करता बाद में पहला वाला करता तो 8 वहां पे रहता और 8 भी गलत रहता। इसीलिए जब एक यूजर किसी फाइल को एक्सेस करे राइटिंग पर्पज से तो फाइल लॉक हो जाए तब तक के लिए जब तक कि वो फाइल को अपडेट ना कर दे। जब पहला यूजर फाइल को अपडेट कर दे तब दूसरे वाले यूजर को वो फाइल मिले, ताकि डेटा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। कंसिस्टेंसी सिमेंटिक रिप्रेजेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएटिंग एंड एनी फाइल सिस्टम दैट सपोर्ट फाइल शेयरिंग। दीज सिमेंटिक्स स्पेसिफाई हाउ मल्टीपल यूजर्स ऑफ द सिस्टम आर टू एक्सेस ए शेयर्ड फाइल साइमल्टेनियसली। यानी जब शेयर फाइल को एक्सेस करना है तो जब एक यूजर एक्सेस कर रहा है तो उसको लॉक कर दे, उस दौरान दूसरा यूजर एक्सेस ना कर पाए, दूसरा यूजर तभी कर पाए जब पहला यूजर उसको रिलीज करे। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस की है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी यही आपको बताया गया है कि अगर एक यूजर फाइल को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा उसको लॉक कर दे, तब तक लॉक है जबकि जब तक कि जो ऑलरेडी यूज कर रहा है उसको अपडेट ना कर दे, और जब वो अपडेट कर दे तो उसको रिसोर्स को रिलीज कर दे, अनलॉक कर दे, और जैसे अनलॉक हो दूसरा वाला एक्सेस कर दे फिर लॉक कर दे। तो जब भी कोई एक्सेस करे तो उसको लॉक कर दे, और जब उसको रिलीज करे तो अनलॉक कर दे, तो इसके थ्रू कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पर भी ओपन और क्लोज का ये एग्जांपल है, तो आप देख सकते हैं। इफ द सीरीज ऑफ एक्सेस बिटवीन द ओपन एंड क्लोज ऑपरेशन मेक्स अ फाइल सेशन। एक फाइल सेशन जब एक सेशन एक्सेस कर रहा है तो दूसरा उसका वेट करे, मतलब अगर एक सिस्टम एक यूजर किसी फाइल को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा तब तक वेट करे जब तक कि उसका सेशन एंड ना हो जाए, जब तक कि वो फाइल को अपडेट करके रिलीज ना कर दे, इससे सिमेंटिक मेंटेन रहेगी। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।